हेलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द चैनल. माय नेम इज तरुण गांधी. पहले ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं. कल यूएस मार्केट हमने देखा, डाउ जोन्स काफ़ी नेगेटिव, ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन होने के बाद एक स्ट्रांग रिकवरी हमने देखी और ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ. तो और उसके सामने साथ साथ नैसडैक और S&P 500 भी डे हाई पे क्लोज हुआ है. वहाँ के मिले जुले से डेटा आए हैं, रिटेल सेल्स नंबर्स एंड ऑल, जिसके वजह से मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था. बट अगर हम देखेंगे जो एंड था वो काफ़ी स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू द डे बिफोर येस्टरडे. तो एशियन मार्केट्स में भी वैसा ही रुझान है, नीचे से शुरुआत हुई है और अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है धीरे धीरे. हैंसेंग, निकाय ऑल आर ट्रेडिंग पॉजिटिव. SGX निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करीबन 20 से 25 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है. हम उस पर भी बात करेंगे, निफ्टी पे भी. बात करते हैं बाकी इंडाइसेस. ब्रेंट क्रूड इट इज ट्रेडिंग एट 82.40, तो ये 82 लेवल सस्टेन कर रहा है. गोल्ड 1800 के नीचे लगातार 2 दिन आज ट्रेड कर रहा है, करीबन 1790 का. देखते हैं इसको होल्ड करके और नीचे आता है या यहाँ से ही बाउंस बैक देता है. तो सर, 1800 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए. देखते हैं कि आज कैसा गोल्ड बिहेव करता है. रुपी रुपी थोड़ा वीकेंड हुआ है, 74.62 पे आया है, तो वहां पे थोड़ी बहुत वीकनेस आई है. कल हमने देखा फिर से FII ने अच्छी खासी बिकवाली की है. आज वैसे US मार्केट्स मेरे ख्याल से बंद है बिकॉज ऑफ द थैंक्स गिविंग डे. कल FII का जो नंबर आया था वो 5,122 करोड़ का सेल नंबर आया था, विच वॉज अ बिग नंबर. मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ द डे दे सोल्ड अ लॉट, बट उसके सामने DII ने कोशिश की अच्छी खासी खरीदारी करने की एंड द बाय नंबर इज 3,089 करोड़. तो सामने हमने देखा 5,000 करोड़ की बिकवाली हुई है FIS की और DII ने करीबन 3,000 करोड़ की खरीदारी की है. 10 ईयर G-Sec फ्लैट ट्रेड कर रहा है 6.36 का, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा इतना एक्शन था नहीं. निफ्टी की हम सपोर्ट की बात करें, और बट उसके पहले मैं कल के वीडियो में अगर बात करूँ, कल मैंने बहुत प्रिसाइसली कहा था कि 17,600 अगर होल्ड करता है फॉर 15 डेज, फॉर 15 मिनट्स, देन हम देख सकते हैं 17,700 से लेके 800. और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे कल 17,600 से रिवर्सल हुआ. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना रिवर्सल हो जाए कि वो नेगेटिव ऑलमोस्ट लाइक 70-80 पॉइंट्स गिर जाएगा. बट रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी वहां से रिट्रेस हुआ एंड इट क्लोज एट ऑलमोस्ट लाइक अ लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे. ऑन दी एडजस्टेड बेसिस इट क्लोज 17,400 के ऊपर. पर मुझे लगता है जैसे आज का पुट कॉल रेशियो आया फिर से 0.79 पे आया है. आज एक्सपायरी डे भी है, तो यहाँ से मुझे डाउनसाइड मेरे ख्याल से 50 से 100 पॉइंट अगर होता है इंट्रा डे बेसिस पे वही होगा. और मुझे लगता है इंट्रा डे बेसिस पे रिवर्सल भी हो सकता है. तो मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे कहूँ तो 17,350 का रहेगा एंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कल का रहेगा वो था 17,600. गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज पे बात कंटिन्यूसली चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं. जैसे मैंने कल भी कहा था कि दे विल बैन मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, देर इज नो गवर्नमेंट बैक्ड एनी डिजिटल करेंसी. बट ये वो कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो होल्डर हैं क्रिप्टो करेंसीज के, उनको एक एग्जिट का पाथ मिले ओवर अ टाइम पीरियड, सो दैट एक स्मूथ एग्जिट हो सके. तो ये गवर्नमेंट पे डिस्कशन चल रहा है और जब होगा तब पता चलेगा. ये विंटर सेशन में डिस्कशन में आने वाला है. इंटरनेशनल फ्लाइट्स ये रिज्यूम होने वाले हैं प्रीटी सून, बट आई एम स्लाइटली वरिड. जहाँ पे US और यूरोपियन मार्केट्स में हम कंट्रीज में देख रहे हैं एक कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं. कल जर्मनी में भी कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो देखते हैं इसका कितना असर होता है. और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है डिजिटल बैंक्स पे. तो नीति आयोग इज एक्चुअली हैविंग अ डिस्कशन पेपर, दे आर फ्लोटिंग अ डिस्कशन पेपर ऑन हाउ टू गो अबाउट डिजिटल बैंक्स, पर्टिकुलरली ऑन दी लाइसेंसिंग साइड, कैसे उसको रेगुलेट करना चाहिए. तो एक बहुत बड़ा ये एस्पेक्ट होगा डिजिटल बैंक्स. तो इस पे ये इनिशियल डिस्कशन चल रहा है, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. ये अगेन विल मेक आर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम मोर रोबस्ट, मोर फ्रेंडली, एंड मोस्ट ऑफ दी बैंक्स आर मूविंग टू अ डिजिटल
साइट, बट ऑब्वियसली देर इज अ सेपरेट सेगमेंट विच इज अ डिजिटल बैंक, वहां पे डिस्कशन चल रही है। नाउ कमिंग टू दी निफ्टी, जैसे मैंने कहा कि 17,600 एक बहुत बड़ा कल का रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आया, तो जब तक 17,625 के ऊपर सस्टेन नहीं करता एंड क्लोज नहीं देता तो हम सेलिंग प्रेशर देखेंगे, और उसके ऊपर जाता भी है तो मेरे ख्याल से 17,800 ये एक बहुत बड़ा हर्डल रहेगा जिसको सरपास करते ही आउटलुक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट स्टिल इट विल बी अ सेल एंड रैली टुवर्ड्स 18,100 से लेके 18,200। ये 18,200 के बाद ही हम देखेंगे कुछ सेंटिमेंट चेंज होते हुए फ्रॉम न्यूट्रल टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव है, 17,800 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और 18,200 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तीन एस्पेक्ट है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ट्रेंड इज नेगेटिव, सो हर राइज पे यू विल फील द सेलिंग प्रेशर इज कमिंग इन। नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स, जहां पे मैंने चार पांच ऐसे स्टॉक्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं और ये आपको लेके चलना चाहिए ऑन अ डिलीवरी बेसिस। मार्केट स्टेबल रहते हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो ये चार पांच स्टॉक्स बहुत अच्छे करने चाहिए। फर्स्ट विथ सीमेंट कंपनी, मेरे ख्याल से प्राइस हाइक हो सकता है इन कमिंग वीक्स, सो जेके लक्ष्मी सीमेंट इज वन ऑफ देम। इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 630 के आसपास, ये अच्छा काउंटर है। 600-610 का एक सपोर्ट है और हम रेजिस्टेंस करीबन 670 के आसपास देखेंगे, तो ऑलमोस्ट लाइक 5-6% अपसाइड है। अगर इसको सरपास कर लेता है तो इट कैन मूव बियॉन्ड 700 रुपीज। सो फर्स्ट स्टॉक इज जेके लक्ष्मी सीमेंट। जी एंटरटेनमेंट, जैसे कल हमने न्यूज चैनल्स में भी देखे कि सोनी और जी का मर्जर होना मोर लेस विल गो वेरी सून, और कल के प्राइस एक्शन से ये काफी क्लियर था। इवन दो द मार्केट्स इन द सेकेंड हाफ फेल, जी क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट अ डे हाई, जी एंटरटेनमेंट। सो 335 का क्लोज आया, 340 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 355, 360 एंड बियॉन्ड दैट 400 रुपीज। वैसे हमने पहले ये जी एंटरटेनमेंट मेंशन किया था एट अराउंड 300 लेवल्स, 310 लेवल्स फॉर टारगेट ऑफ 400 रुपीज, बट मैं बार बार ये डिस्कशन में ला रहा हूं बिकॉज वन इज द ट्रेडिंग माइंडसेट, द अदर वन इज द इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। तो मैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 300-310 पे हमने बाय किया था फॉर द टारगेट ऑफ 400, बट ड्यूरिंग द डे और इंट्राडे बेसिस और कपल ऑफ डेज दीज आर द टारगेट्स यू कैन लुक एट। आईसीआईसीआई बैंक कल अच्छा खासा मोमेंटम था, 770 पे ऑलमोस्ट डे हाई बनाया था, फिर मार्केट नेगेटिव होने के बाद ये स्टिल क्लोज पॉजिटिव। एक्चुअली बैंक निफ्टी क्लोज पॉजिटिव एंड निफ्टी क्लोज नेगेटिव, सो आईसीआईसीआई बैंक करीबन 745 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, 745 से लेके 750, इसका इमीडिएट टारगेट करीबन 790 से लेके 810 होगा अगर मार्केट्स ठीक रहते हैं, और अगर मार्केट चलो वीक भी रहते हैं तो भी ये बाय ऑन डिप स्टॉक्स है। खास करके आईसीआईसीआई बैंक में मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अगर किसी का पर्सपेक्टिव है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, मेरे ख्याल से ये 850 से 900 आराम से जा सकता है। सरला परफॉर्मेंस ही एक छोटा स्टॉक है, इट्स ऑन दी टेक्सटाइल साइड। ये हमने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में धीरे धीरे हमने लिया है करीबन 51, 52, 53, 54 के रेंज में, और रीसेंट में भी 57, 58 में ऐड भी किया है। ये 59 का क्लोज आया है कल, 62, 63 का हाई बनाया था, ये इसको सरपास कर लेता है तो इट कैन रीच अ टारगेट ऑफ अराउंड 75 ओवर द नेक्स्ट लेट्स से 2 वीक्स टाइम। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 25-30% जंप आ सकता है सरला परफॉर्मेंस में, एक छोटा स्टॉक है। रिस्क अगर मैं कहूँ तो स्टॉप लॉस करीबन इसका 49 का रहेगा, 49-50 रुपीज़ का। अडानी पोर्ट भी मैंने काफ़ी बार मेंशन किया अलॉन्ग विथ मजगांव डॉक, तो अडानी पोर्ट ने काफ़ी टाइम बिताया करीबन 720-730 के रेंज में, फिर एक अच्छा खासा कल मोमेंटम आया और ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो डे हाई पे क्लोज हुआ 765 का, मेरे ख्याल से डे हाई इसका 770 का रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर
ये 780 को क्रॉस कर लेता है तो हम टारगेट 815 से लेके 820 का इमीडिएटली देखेंगे, और उसको सरपास कर लेता है एंड सस्टेन कर लेता है 820 को एटलीस्ट फॉर अ डे और टू डेज, देन वी आर लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 900. वो मेरा टारगेट 900 का ही है, बट फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये 820 कुड बी द टारगेट वंस इट मूव्स बियॉन्ड 880-885. सो ये पांच स्टॉक है जो आपको देख के चलना चाहिए. निफ्टी में मैंने कहा ओवरसोल्ड थोड़ा सा फिर से लग रहा है, आज एक्सपायरी डे भी है, क्वाइट वॉलेटाइल रह सकता है और वॉलेटाइल है भी डेली बेसिस पे. हम देख रहे हैं मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्विंग्स दे रहे हैं, तो बट आपकी पोजिशंस ऐसे टाइम में ट्रेडिंग पर्स्पेक्टिव से थोड़ी बहुत लाइट होनी चाहिए. फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्स्पेक्टिव ये मैं फिर से कहूँगा कि आपको एटलीस्ट 20-25% डिप्लॉय कर देना चाहिए अगर आपके पैसे आपने काफ़ी टाइम से साइडलाइन में रखे हुए हैं. एंड कल भी मैंने कहा था कि 16,800 में आपका कंप्लीट डिप्लॉयमेंट हो जाना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. सो ये कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स, कुछ मार्केट पर्सपेक्टिव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली और ग्रुप्स में शेयर कीजिए. एंड अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई फीडबैक्स हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, या तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे. सो थैंक यू सो मच.